नमस्कार दोस्तों, 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, अपडेट आ रही है कि 10 मई से बोर्ड की बची परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ विषयों की ही ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। कौन कौन से विषयों की परीक्षाएं करवाई जाएंगी और किस किस राज्य में ये परीक्षाएं होने वाली हैं 10 मई को, इससे संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। मई के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकते हैं बाकी बची हुई परीक्षा यानी पर्चे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यह अपडेट दी गई है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं में होने वाली इस परीक्षा में अलग अलग विषयों की परीक्षाएं होंगी। कुछ चुनिंदा विषयों को ही यहां पर सेलेक्ट किया गया है जिनकी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से पेपर होंगे। 10वीं में सामाजिक विज्ञान, गणित, व्यावसायिक एवं संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। 12वीं की बात करें तो भूगोल, संगीत, हिंदी, साहित्य, व्यावसायिक अध्ययन, मनोविज्ञान, गणित, अंग्रेजी साहित्य और यहाँ पर ड्राइंग, गृह विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग, संस्कृत साहित्य, व्यावसायिक परीक्षाएं, सामान्य विज्ञान, संस्कृत, वाइम्स, वैदिक शास्त्र 12वीं और 10वीं की, जो मैंने आपको ये विषय बताए हैं, केवल इन्हीं विषयों की यह परीक्षाएं कराई जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर पूरी अपडेट दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि संभवतः 8 या 10 मई हो सकती है इस परीक्षा की तारीख। पेपर पहले से बनकर तैयार है तथा लॉकडाउन से पहले ये सभी केंद्रों तक पहुँचा जा चुके थे। बोर्ड की ओर से मांगी गई जानकारी भिजवाई जा रही है। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश मिल गए हैं जिन पर अमल कर रहे हैं। भरत जोशी DEO के द्वारा ये अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर उम्मीद बताई गई है कि 10 मई से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू करवाई जाएंगी राजस्थान बोर्ड के द्वारा।